సముద్రం ధృత్స్వయమేకాత్రం సాధకానుగ్రహార్థం శృతి శిర్షి విమాంతం బోధం మార్తాండమూర్తిం శమిత్తి మీర్శోకం శ్రీ గురుం భావయామి హృద్యం భుజే కణిక మధ్య సహస్రం సింహాసనేశం సిద్ధిమూర్తిం ధ్యాయే గురుచంద్రశీలా ప్రకాశం చిత్తుస్థికాభీష్టవరం దదానం శ్రీ గురుచరణకమలేభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః आज गुरु पूर्णिमा का दूसरा दिवस है और प्रभु सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी प्रभु जी सद्गुरु जी और माता जी की कृपा से हम इस द्वितीय दिन में हम पर गुरु कृपा किस तरह हमें गुरु कृपा किस तरह प्राप्त हो इसके बारे में हम विचार करते हुए मैंने कहा मैंने देखा है कि हर एक गुरु किसी गुरु के पास जाओ चाहे मेरे पास हो किसी के पास जाओ हम कभी कहते हैं कि साधना सिद्ध नहीं हुई तो तू पवित्र नहीं है तेरे आंखें ठीक नहीं है तूने पवित्रता देखी नहीं है तेरा जल पवित्र नहीं कितना करने पर भी अपने पास वो पवित्रता तो आती नहीं हम प्रयत्न करने के बाद भी और जब तक पवित्रता नहीं होती आज आप देख रहे हैं छोटा सा लैपटॉप भी हो और फोन भी हो उसमें वायरस आ गया तो काम नहीं करता क्योंकि ये सब आकाशीय तत्व से आने वाली ध्वनिया है आकाश से आने वाली चित्र है आकाश से आने वाली इसमें कोई आपको वायर लगा हुआ नहीं है उसी प्रकार अगर ये है तो हम भी हमारे भगवानों को आकाश से ही आते हुए देखते हैं हमारे भगवान की कृपा हमारी पुकार उन तक जाए वे सुने और हमारी इच्छा पूर्ण करें लेकिन ये तत्व कैसा हम इस उपकरण को उपयोग कर रहे हैं जो फोन है जो वायरलेस होते हुए हमें दे रहा है लेकिन वायरस आने के बाद वो भी खराब होता है यानी इसका मतलब यह है कि वायरस अगर हमारे में हो तो हम उन ध्वनियों को या उस देवताओं के तत्वों को हम प्राप्त नहीं कर सकते इस तत्वों को प्राप्त करने के लिए फिर हमारी शरीर शुद्धि कैसी क्यों हमें आज भगवान साधना करने पर भी दर्शन नहीं देते साधना करने पर भी हमें सिद्धियां नहीं प्राप्त नहीं होती क्या करने से हमारे में इस तत्व की जागृति हो कि हमें हम भगवान को देख सके भगवान की कृपा प्राप्त कर सके हम आगे चलकर हमारे जीवन में हमारा कल्याण करते हुए हम चार लोगों का कल्याण कर सके चार लोगों के सहायक बन सके हमें इसके लिए क्या करना है ये बहुत बार सोचकर आखिर में ये निर्णय आया कि प्रभु ये तो बात बताओ कि हम तो शुद्ध नहीं है हर हवा में पोल्यूशन है पानी में पोल्यूशन है खाने में पोल्यूशन है हमारे रहने में भी पोल्यूशन है हम सिद्ध और स्वच्छ तो शुभ्र तो है ही नहीं फिर हम शुभ्र नहीं है तो हमारा मंत्र नहीं भगवान तक पहुंचता नहीं भगवान तक मंत्र पहुंचता नहीं तो भगवान कैसे प्रत्यक्ष होंगे कि हम पुकार रहे करोड़ों लोग हैं हम कर्म भी अच्छे करने जाते हैं लेकिन उसमें भी कोई गलतियां हमारे से हो ही जाती हैं भगवान की पूजा करते हैं तो हम निष्ठा के साथ बैठ नहीं सकते और ये सब जब नहीं होता तब भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती और इस भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है तुम्हें हम साधना को बैठते समय कम से कम हमारे लिए ये हो कि हम शुद्ध है हम साधना कर रहे हैं और हमारे को जिस साधना को करें देवता की सिद्धि हमें प्राप्त हो ही हो हम शुद्ध हैं हमारी आंखें मन तन सब कुछ शुद्ध है इसको हम किस तरह प्रयत्न करें क्या करना चाहिए यह प्रश्न बार बार मैं ढूंढता रहा मैंने सोचा भी कि इसके लिए क्या करना चाहिए अब आप बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हैं एक बात अलग है कोई कर्म कर रहा है नौकरी कर रहा है पैसे आ रहे हैं घर हुई शादी हुई बच्चे हुए लेकिन फिर भी उसकी परेशानियां उसको है और जिनको ये सब प्राप्त हुए उनकी एक लालसा है कि हम भगवान को देखें हम भगवान की कृपा प्राप्त करें हमारे भगवान का भगवान हमारे को दर्शन दें यह हमारी इच्छा सभी को रहती है आपको नहीं सभी को इस यह तत्व आपको सभी में बना हुआ है तो इसके लिए हम क्या करें क्या करने से हमारे में शुद्धि आ जाए हम शुद्ध करते हुए इन बातों का हम लक्षण देते हुए इन बातों को देखते हुए आगे चलें इसके बारे में शुद्धता के लिए क्या करना चाहिए इस साधना को ऐसी एक साधना जो हमें शुद्धि प्रदान करे हम अगर भगवान को महालक्ष्मी की मंत्र करते हैं और मांगे कि महालक्ष्मी माता आज हमें पैसा चाहिए तो पैसा आ जाना चाहिए हमारे को कोई शत्रु सता रहा है तो हम बोले कि इस शत्रु का नाश होना चाहिए तो शत्रु का नाश होना चाहिए अकारण नहीं कारण के साथ अन्याय हमारे पर होना चाहिए हो रहा है तो उस अन्याय को हम सहन करने की शक्ति नहीं उस अन्याय का उस अन्याय पर प्रहार करने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए अब जब तक ये हम नहीं कर सकते हम आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जिस जीवन का कोई मतलब नहीं
पशु भी जी रहा है, खाना खा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, सो रहा है और जीवन जीता हुआ चला जा रहा है, दो मार खा रहा है, अगर किसी का किसी के घर में घुस गए ले लिए, हम भी चोरी करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं, हम भी पैसे कमा रहे हैं और हम भी जीना जी रहे हैं, लेकिन क्या वो शुद्धता हमारे में है? क्या हम हमारे बगल में जो है उनकी रक्षा कर सकते हैं? हम हमारी रक्षा कर सकते हैं कोई अगर हमारे पर कोई प्रयत्न प्रहार करें? ये हमारा जीवन ऐसा कितने दिन चलेगा? योग्य गुरु जब अपने पास हो तो हम योग्य गुरु से यही मांगना चाहिए कि मैं मेरी रक्षा करते हुए संसार की रक्षा करूं। मैंने इससे पहले यह भी उदाहरण दिया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण यूं ही कंस को मारने नहीं गए, कंस ने उनके बहन और बहनोई को तो जेल में डाला ही था और जो भी स्त्री उसे दिखती थी, जो यंग थी, जो 16 वर्ष की 17 वर्ष की थी, उसको उठा के लाता था, उसको भोगता था और अपने जेल में डाल देता था, उसको वहां से जाने नहीं, जितने सुंदर स्त्रियां गोपिकाएं वृंदावन में थी वो उसके कब्जे में थी, कंस के कब्जे में थी। कृष्ण जब मुष्टियुद्ध करने आए और कंस को मारा तो उन्होंने देखा कि 16,000 गोपिकाएं जो सुंदर थी जेल से उसके कब्जे से बाहर आई और वो लोग देख रहे हैं कि इसके लिए क्या करना है। आज भी हमारे पास समस्या है, आज भी हमारे पास ये समस्याएं हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पति है अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वो कहता है कि पत्नी और हम दोनों नौकरी करें तो हमारी जिंदगी गुजरती है, पत्नी में ये शांत है और पत्नी नौकरी जाती है तो उसके ऊपर हम शंका करते हैं कि तू किसके साथ बात करी, क्या करी, कैसा जीवन होगा, कैसा जीवन निकालना चाहिए, हम किस तरह का जीवन जीना चाहिए, हमारे में अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने प्रति एक निष्ठावान हम कैसे बने, हम न पुरुष बन सके न स्त्री बन सके, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम केवल यह चाहते हैं किसके ऊपर कोई उंगली उठाकर हम बता दे, क्योंकि हमारे में वो समर्थता नहीं है कि हम किसी को एक कहते हुए कि मैं मेरे पत्नी बच्चों को पालता हूं, तू बैठ जा, मैं तेरे को वो सारा सुख दूंगा, ऐसे करने वाले बहुत कम लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं चाहता कि स्त्री नहीं करनी चाहिए, स्त्री को नौकरी करनी चाहिए, क्या स्त्री को नौकरी के जाने के बाद या कहीं व्यापार जाने वो सेफ है, वो रक्षक है, उसके ऊपर कुदृष्टि नहीं जारी जाती, उसको सताया नहीं जाता, ऐसा होता है तो क्या स्त्री उसका उसके उसके ऊपर या उसके ऊपर किसी अन्याय के ऊपर वो बात उठा सकती है? ऐसा नहीं हो रहा है, न पति उठा सकता है, न पत्नी उठा सकती है, न स्त्री उठा सकती है, ऐसा कितने दिन। ऐसी सिचुएशन में जब कृष्ण ने गोपिकाओं को बाहर आया तो गोपिकाओं ने यही प्रश्न किया कि हम अगर मथुरा में या वृंदावन में बाहर आते हैं तो हमें कौन स्वीकार करेगा, बहन करते हैं तो हमारी शादी हो, माँ कहते हैं तो हमें माँ के रूप में तूने कंस के पास सो के आई हो, तेरा क्या जीवन है, ऐसा कहेंगे। कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा पति बनता हूँ, हर प्रकार का सुख तुम्हें देता हूँ और किसी प्रकार का तुम्हें पर कष्ट नहीं होने देता, वही परम पुरुष था, वो पुरुष था, उसने इसलिए ये बात कही और कहा कि उनकी रक्षा की, उसने कहा तुम्हारे ऊपर कोई आंख उठा के नहीं दे सकता, वो उस दिन का स्त्री महिलाओं को रक्षा करने वाला एक महान पुरुष था, महान योगेश्वर था जिसने वो रक्षा की और स्त्रियों को किसी के चुंगल में फंसते ना हुए, वो आनंद और सौख्य प्रदान, उनको ऐसा ही नहीं सिर्फ पत्नियों या पत्नियां बनकर ही नहीं रखा, उनके वो उनको सारे वो आनंद दिया, इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, इसलिए 16 कलाओं वाला 16 कलाओं से निर्मित पुरुष कहा गया, वह कृष्ण जिसने राक्षसों को मारा, लेकिन इतना होने पर भी कृष्ण को एक बात चुभ गई कि हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन है और उसने भरी सभा में केवल उसके ऊपर हंसने से द्रौपदी का चीर हरण किया, सभी उसके पति देखते रहे, भीष्मादि द्रोणाचार्य आदि देखते रहे और एक स्त्री का चीर हरण हो रहा था। अगर गलती से भी कहीं ऐसी जगह आज हो जाए तो उसके ऊपर कोर्ट केस और सब लोग मारने जाएंगे, तब उस कुरुक्षेत्र उस द्वापर युग में वो भी नहीं हुआ, सब लोग हाथ जोड़कर खड़े थे और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, ये कितना अन्याय था। गुरु जी का कहना था आज हम अन्याय की बात करते हैं, वो कितना अन्याय था द्रौपदी के साथ हो रहा था, द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर कहती द्रोणाचार्य को, भीष्म को, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को और अपने स्वयं पतियों को कहा कि मेरी रक्षा करो, पति हार गए थे उस द्रौपदी को और ये क्या ये अच्छा गुण था, वो द्वापर युग में और रो रही थी। जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कहा कि स्त्रियों पर अत्याचार कितने दिन कृष्ण आप कब तक देखते रहोगे, कृष्ण तब अपने वृंदावन में 16,000 गोपिकाओं अष्ट भार्याओं राधा के साथ थे। जब द्रौपदी का यह प्रश्न द्रौपदी का ही यह पुकार कृष्ण सुने और कृष्ण भागते हुए उनके पास आए और उन्होंने कहा कि द्रौपदी मैं आज तुझे देखता हूं, क्योंकि कृष्ण उस समय
16,000 गोपिकाएं राधिका और अष्टभार्याओं के साथ बहुत जोरों से इधर उधर टल रहे थे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। तो अष्टभार्याओं ने पूछा, क्या कृष्ण तुम ऐसे क्यों टहल रहे हो, बेचैन क्यों हो, क्या बेचैनी है तुम्हें? तो कृष्ण ने कहा, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है भरी सभा में, और वो भीष्म को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को और अपने पतियों को पुकार रही है, एक बार मुझे पुकारे, मुझे पुकारे, मैं रक्षा के लिए जाऊंगा। और जब हताश हो गई तो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो, और कृष्ण एक मिनट में भागते हुए आए और उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण रोका, द्रौपदी की लज्जा का ख्याल रखा, द्रौपदी की लज्जा के रक्षण की। आज की बात नहीं कर रहा हूं, यह सारे युगों में होता हुआ आया। हमारी सीता माता ने क्या किया था, अग्नि प्रवेश करके आई थी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर लांछन लगा दिया और रामचंद्र जी को राज्य के लिए छोड़ना पड़ा। किस युग में ये कार्य नहीं होता रहा और आज के युग में भी हो रहा है। तब जब द्रौपदी बाहर आई और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और कहा कि प्रभु मुझे एक वचन दो। क्या? कि इस संसार में ऐसे इतने जितने अन्यायी हैं, मैं उनकी मृत्यु देखना चाहती हूँ, मैं उनको मरा हुआ देखना चाहती हूँ, और आज से तुम्हारे सामने शपथ करती हूँ कि मैं जुड़ मेरी वेणी की जुड़ी तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इनका, इन सभी की मृत्यु नहीं होती। और कृष्ण ने कहा, तथास्तु, मैं तुझे उस दिन का। और कृष्ण ने उस दिन से 16,000 गोपिकाओं को, अपने अष्टभार्याओं को, राधा को छोड़ दिया और वे उस कुरुक्षेत्र की युद्ध की तैयारी करने लगे। सभी को बताया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, लेकिन कोई नहीं मान रहे थे, तुम्हें इसको भोगना पड़ेगा कहा, और उन सभी को इकट्ठा करके कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा। किसी को नहीं छोड़ा जो स्त्री को कष्ट पहुंचा रहे थे, लेकिन उसके लिए समय लगा। कृष्ण उनको एक चांस देके देखना चाह रहे थे कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो अहंकारवश उनको वनवास भेजे, वनवास में भी उनको सताया। यह कार्य होता रहा तो उनको मारने के लिए कृष्ण ने अपनी ही माया से उस समय में अपने 16,000 गोपिकाओं को, भार्या को, एक की कोई नहीं कहता कि कृष्ण ने ऐसा किया, छोड़ा और कहा कि हे अर्जुन, अब हमें युद्ध की तैयारी करनी है, ऐसे लोगों को चुन चुन को मारना है। इसलिए जब दुर्योधन उनके पास, दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गए, दोनों कृष्ण जब सो रहे थे तो वो ये मांगने के लिए गए कि कृष्ण आप हमें, हमारी सेना की सहायता करो। तो कृष्ण ने दोनों को भी कहा कि मैं तैयार हूं, मेरे पास एक तरफ 4 अक्षौहिणी सैन्य है, 4 अक्षौहिणी सैन्य का मतलब कुछ अरब सैनिक, यानी 400 करोड़ सैनिक एक तरफ है और मैं अकेला एक तरफ। आपको मांग लेना है, मैं अकेला चाहिए या 400 करोड़ सैन्य चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, इस अकेले को लेकर क्या करेंगे, मुझे 400 करोड़ सैन्य चाहिए। कृष्ण का इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, जिन्होंने अन्याय किया है मैं इसको युद्ध में मारूंगा। और वह युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र में ऐसे लोग, सारे लोग मारे गए। हर एक का एक समय होता है और उस समय के अनुसार देवता अपना कार्य करते रहते हैं। कृष्ण का जन्म ही उसलिए हुआ था जो स्त्रियों को प्रताड़ित कर रहे थे, सता रहे थे। और इस कृष्ण की विद्या को, तब से कृष्ण ने, जब तक कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, उन्होंने अपने गोपिकाओं को या राधे अष्टभार्यों को छुआ तक नहीं, वो योगेश्वर थे। इसलिए जब वो युद्ध से देखकर बाहर आए तो उन्होंने कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप बताकर कहा कि मैं इस संसार में जन्म इसलिए लिया हूं कि यहां अन्याय होने वालों की रक्षा करूंगा। उनके बाद का सब लोग गलत अर्थ लेते हैं कि वो 16,000 गोपिकाओं के साथ रहे, उनकी भी रक्षा की, स्त्रियों की भी रक्षा की, भार्याओं की रक्षा की, और अपने साथ साथ उन अन्यायी वालों को भी उन्होंने अपनी तरफ से मारा। ये कृष्ण थे। और उस कृष्ण को अपना विश्वरूप बताकर अर्जुन ने कहा कि कृष्णम वंदे जगद्गुरु, हे प्रभु कृष्ण, मैं अब तक शंका में था, ये शंका थी कि मुझे, मैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु है, भीष्म मेरे पितामह है, दुर्योधन मेरा भाई है, ये सब सारे सगी संबंधी है, मैं इनको किस तरह मारूं? और कृष्ण ने कहा था कि ये सब द्रौपदी के अत्याचारी है, ऐसे स्त्रियों को, स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले हैं। अर्जुन, तू मेरी बात सुन, तुझे पितामह मारने का पाप नहीं लगेगा, तुझे द्रोणाचार्य गुरु को मारने का पाप नहीं लगेगा जिसने उस अत्याचार को देखते हुए बैठा है, मैं तुझे एक बात कह रहा हूं। और कृष्ण ने उनको जब यह विशिष्ट विश्वरूप बताकर कहा कि सारा जग मेरे में व्याप्त है, मैं महामाया को मेरे साथ रखकर मैं यहां बैठा हूं, मैं जो कहता हूं वैसे सुन। तब कृष्ण ने कहा, अब मेरे गुरु द्रोणाचार्य नहीं, मेरे गुरु आप है। इसलिए उन्होंने कहा, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, आज मैं कृष्ण को जगद्गुरु के रूप में मानकर उनको नमस्कार करता हूं। और कृष्ण को के चरणों में वो गिर गए।
और उन्होंने जैसा कहा न पितामह को देखा, न गुरु को देखा, न भाइयों को देखा, वे मारते चले गए। कृष्ण के इस पीछे, इस कुरुक्षेत्र युद्ध के पीछे भी नारी रक्षा थी, इसका बहुत कम लोग जानते हैं। कृष्ण के जब तक कृष्ण का काल रहा, कुब्जा से लेकर, कुब्जा जो कुबड़ी थी और उसने रोज कंस के लिए गंध ले जाया करती थी, कृष्ण जिस दिन मथुरा में प्रवेश कर रहे थे कंस को मारने के लिए, तो कुब्जा गंध लेकर जा रही थी, तो कृष्ण ने पूछा ए कुबड़ी तू क्या ले जा रही है, तो वो देखकर बोली हे तू कौन है। कृष्ण ने कहा मैं वृंदावन गोकुल का निवासी कृष्ण हूँ और मथुरा आया हूँ, तो तेरा तो नाम बहुत सुना है बालकृष्ण, क्या तू भी मुझे कुबड़ी कहता है, सब लोग मेरे पर हंसते हैं। तो कृष्ण दया में कृष्ण ने कहा इधर आ, अगर तू तेरा गंध मुझे देती है तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसने अपने शरीर का गंध लेकर कृष्ण को लगाया और कृष्ण ने उसके ऊपर जैसा ही अपने शरीर से गंध लेकर उसके ऊपर से घुमाया, तो वो कृष्ण कुबड़ी अपना कुबड़ापन छोड़ देकर एक सौंदर्यवान स्त्री के रूप में बदल गई। इस प्रकार कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने सारी नारी कुल को और सारे लोगों का उद्धार किया, अन्याय करने वालों का उन्होंने हताश करके मार दिया गया। इसलिए कृष्ण आज भी सभी तरफ कृष्ण वंदे जगतगुरु के नाम से पूजित है। इसी तरह हम आज देखते हैं कि आज हमारे पास न कृष्ण की भांति कोई शक्ति है, हम एक पत्नी को संभालना हमारे लिए आज कष्टदायक हो गया है, एक बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए कष्टदायक हो गया है। क्या हुआ ऐसे पुरुषों में कि वो पुरुषत्व चला गया, किस क्या करने से वो पुरुषत्व को फिर प्राप्त कर सकते हैं, और हम नारी कुल की नहीं हमारी रक्षा करते हुए कम से कम हमारे परिवार की रक्षा करने की शक्ति हम हमारे में रखते हैं, ऐसा कब होगा, क्या होगा कि हम इसे इसको करने से करने के लिए हमें प्राप्त करना है। पहले कैसे अभिमानी लोग रहा करते थे। एक बार महर्षि गौतम अपने पास अपने शिष्य के साथ बैठे थे, उस शिष्य का नाम था उत्तंक, उत्तंक शिष्य था, तो उसने अपनी शिक्षा अपने गुरु के पास पूर्ण की, गुरु के पास शिष्य की अपनी पूर्ण करने के बाद वह अपने गुरु के पास गया और कहा कि प्रभु मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, मैं तुम्हें गुरुदक्षिणा देकर मेरी शिक्षा की पूर्णता चाहता हूं। तो गुरु गौतम ने कहा प्रभु मैं तेरी सेवा, तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मुझे गुरुदक्षिणा तेरे से इससे बड़ी गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए, मैं प्रसन्न हूं तुझे मुझे तेरी से गुरुदक्षिणा मिल गई। उन्होंने कहा प्रभु ये विधान नहीं है, गुरु के पूछे हुए गुरुदक्षिणा को जब तक नहीं दूंगा मैं यहां से यह विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता और इस विद्या का फल प्राप्त नहीं कर सकूंगा और मैं गुरु की दी हुई शिक्षा का ऋणी नहीं हो सकूंगा, मुझे कहो क्या करना है। तभी भी गौतम महर्षि ने कहा कि मेरे पास मैं तेरे से दक्षिणा नहीं लेना चाहता, हाँ मेरी अर्धांगिनी है अहिल्या है, अगर तू जाके पूछ उसे क्या चाहिए, अगर वो कुछ कहती है तो देना। उत्तंक अहिल्या माता के पास गया और गुरु माता को नमस्कार किया और कहा कि माँ मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, गुरुदक्षिणा के रूप में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ और मुझे मैं क्या गुरुदक्षिणा दूँ। तो अहिल्या ने कहा वैसे तो मुझे नहीं लेकिन बहुत दिनों से एक इच्छा है। बोले क्या? मुझे वशिष्ठ महर्षि की पत्नी अरुंधति है, उसके कान में कर्ण फूल है, वो मुझे चाहिए। तो उत्तंक ने कहा माँ तुमने जब ये कहा है तो मैं वो कर्णफूल लाकर देने के बाद ही मेरी गुरुदक्षिणा लेकर मैं यहां से जाऊंगा। और वे वहां से सीधा चलते चलते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ के आश्रम जाकर उन्होंने नमस्कार किया और माता अरुंधति के पास गए और कहा कि माँ मैं गौतम महर्षि का शिष्य हूं, मेरी गुरु माता ने मुझे ये कहा है कि आपके जो कर्णफूल है वो मुझे प्रदान करो, मैं मेरी माता को दक्षिणा के रूप में देना चाहता हूं, आप इसके बदले में मुझसे कुछ चाहती है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वशिष्ठ महर्षि उससे बहुत आनंदित हो गए और कहा कि तुम्हारी गुरु सेवा से जब तुम्हारे गुरु प्रसन्न है तो सारे देवता प्रसन्न है, मैं भी तुम्हारे पर प्रसन्न हूं, मैं अरुंधति से कहता हूं कि उसके कर्णफूल दे दे। और उन्होंने उन कर्णफूलों को उत्तंक को दे दिया, देते हुए एक बात कही हे उत्तंक इन कर्णफूलों को तुम बहुत अच्छी तरह रखना, इसे कहीं भी रखे, इसको पाने के लिए देवता यक्ष गंधर्व किन्नर राक्षस आदि इन कर्णफूलों को प्राप्त करने, क्योंकि ये मेरे तपस्या के प्राप्त फूल है, आज माता अहिल्या ने मांगे हैं तो मैं एक योग्य स्त्री को मैं ये कर्णफूल देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कर्णफूल देकर भेज रही हूँ, इसको देख कर रखना। उत्तंक उन कर्णफूलों को ले लिया, ले लेकर जा रहा था,
संध्या का समय हुआ तो एक नदी के किनारे बैठकर अपने बाजू में ही कर्णफूल को रखकर संध्या समय में गायत्री मंत्र करने के लिए गायत्री मंत्र कर रहा था। तब जो पाताल लोक में तक्षक थे उन्हें पता चला कि अरुंधति के कर्णफूल यह ले जा रहा है, उत्तंक ले जा रहा है। वह माया से आए, जब ये ध्यान में संध्या वंदन में थे तो उन्होंने आके उन कर्णफूलों को चुराया और नागलोक को चले गया। तक्षक अपनी साधना हुई तो उन्होंने देखा बाजू में कर्णफूल नहीं है। उत्तंक बहुत घबरा गया कि मैं गुरुदक्षिणा नहीं दे सकता। उसने अपने गुरु का स्मरण किया, प्रभु इतना बता दो, मेरे प्राण त्याग कर भी उन कर्णफूलों को लाऊंगा, लेकिन कहाँ गए? उनको वो विद्या दी गई थी। उन्होंने कहा कि तेरे कर्णफूल पाताल लोक में तक्षक ले गया है। अब उन्हें कहा कि पाताल लोक जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पाताल लोक जाने का कोई मतलब ही नहीं। फिर भी उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लेकर भूमि खोदना शुरू कर दिया। यह भूमि खोदते तो 3 दिन के बाद भी 3 गड्ढे 3 हाथ भी गड्ढा खोदा नहीं हुआ। पाताल लोक कब जाएंगे? तंग आ गए। उन्होंने अपने गुरु को स्मरण किया और कहा, प्रभु मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक पाताल पहुंचूंगा या नहीं जाता, लेकिन प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा, मैं कर्म करूंगा, इसको खोदता रहूंगा। जैसा मैंने अभी आपको कहा, जो गुरु कार्य में श्रेष्ठ है, जो गुरु कृपा प्राप्त करता है, देवता भी उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो ऊपर से इंद्र और अग्निदेव जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक इतना दिव्य पुरुष जो एक गड्ढा खोद रहा है, किस लिए खोद रहा है? इंद्र और अग्निदेव दोनों आए और उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं पाताल लोक को जाने का मार्ग कर रहा हूं, खड्डा खोद रहा हूं। तो दोनों हंस पड़े, ये खोदते खोदते तू पाताल लोक कब जाएगा, जा सकता है क्या? तो उन्होंने कहा, ये तो मेरे ऐसे होने वाली बात नहीं है। तब इंद्र ने कहा, तू गुरु का शिष्य है और हम इंद्रादि देवता यक्ष गंधर्व जो गुरु को प्रसन्न करता है, अगर उसका कार्य करते हैं तो हम 1000 वर्ष हम भी सुख को अनुभव करते हैं। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं, ऐसा इंद्र ने कहा। देखो गुरु की महिमा कितनी होती है। इंद्र आकर उनको सहायता करने के लिए आए और कहा कि तू गुरु का भक्त है, इसलिए मैं तेरी सहायता करता हूं। और इंद्र ने अपने वज्र से एक बार पृथ्वी को मारा, देखते कि वो पाताल तक खड्डा हो गया, पाताल दिखने लगा। इंद्र कहते हैं कि आज तुम्हें इंद्र ने तो सहायता दी, लेकिन पाताल में तुम तक्षकों से झगड़ नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें अग्निदेव को दे रहा हूं, तुम्हारे साथ अग्निदेव आएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। अग्निदेव उस उत्तंक शिष्य के साथ पाताल लोक में चले गए और तक्षक के पास जाकर बोले, यह तक्षक, तूने कर्णफूल ये जो बैठा था उसको तूने चुराया है और वो कर्णफूल दे दे, वो अपने गुरु को समर्पित करना चाहता है, गुरु माता को समर्पित करना चाहता है। तक्षक पहले तो नाकार कर रहा था, लेकिन अग्निदेव ने कहा, मुझे पता है कि वो कर्णफूल तेरे पास ही है, अगर नहीं दिया तो तुझे भस्म कर दूंगा। उसने तत्काल तक्षक ने लाकर कर्णफूल उनको दे दिए। कर्णफूल को लेकर उत्तंक बहुत प्रसन्न हो गया और अग्निदेव को नमस्कार करने लगा। अग्निदेव ने कहा, जो गुरु भक्त होता है, हम देवता उसकी सहायता करते हैं तो हम 1000 साल सुखी रहते हैं। जो गुरु को प्रसन्न करता है उसके साथ उसको देवता प्रसन्न होकर बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम ये लेकर जाओ। और कर्णफूल लेकर उत्तंक आया और अपनी गुरु माता के पास देते हुए कहा, माँ ये कर्णफूल जो तुमने मांगे थे। वशिष्ठ महर्षि के कहने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि तू गुरु को प्रसन्न करने वाला शिष्य है, तूने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगे हैं, इसलिए हम ये दे रहे हैं। और कर्णफूल जैसा ही अहिल्या माता को उन्होंने प्रदान किया और कहा कि माता गलती से भी इन कर्णफूलों को कहीं ऐसा वैसा नहीं रखना, रखने से ये बहुत महिमामय है, ऐसा माता अरुंधति ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन आपको पता है अहिल्या पर मोहित हुए थे इंद्र, और इंद्र मोहित हुए थे जब गौतम महर्षि गए तो अहिल्या उस समय उन कर्णफूलों को धारण करके वो भी स्नान करने के लिए कर्णफूल निकाल कर रही थी, और उसका उस समय देखकर इंद्र आए और माता अहिल्या को उन्होंने छेड़ने की क्रिया की। बाद में जो हुआ आपको सब पता है, अहिल्या पत्थर के रूप में बदल गई और इंद्र को श्राप मिला। मैं यही कहता हूं कि जो बात कही गई है ये अपन गुरु कृपा से, जो बात कही गुरु कृपा से करेंगे, आप तो आपके पास देवता को आना ही होगा, गुरु प्रसन्न हुए तो देवता तुम्हारे सामने खड़े हैं। लेकिन गुरु योग्य गुरु का चयन करना भी उतना ही जरूरी है। योग्य गुरु तपस्वी होना चाहिए, योग्य गुरु निष्ठावान होना चाहिए, योग्य गुरु में सबकी रक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए। कम से कम अपने पत्नी के साथ अगर वो 1000 लोगों की रक्षा करने की शक्ति रखता है, उनके भले बुराए में खड़े रखता है, तो वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं देवता है, और उसके पास देवता आएंगे। हाँ, उसको
को उसका भेद करेंगे या उसको उसको निष्ठावान न देखते हुए उसके ऊपर उसके बात पर अनुमान करेंगे, संशय करेंगे, तो उनका उद्धार भी नहीं होगा। यह भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो चाहता है, उसका क्या स्वार्थ है तुम्हारे खिलाने में, तुम्हारे पिलाने में, तुम्हें रखने में, एक मिनट में तुम जा सकते, तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता निकल जाओ, उसका क्या है? कृष्ण को छोड़ के जाने से कृष्ण किसी को रोका? कृष्ण के पास भी गोपिकाओं साथ की विरजा नाम की एक स्त्री थी, वो विरजा राधा को कहती थी कि तुझे कृष्ण प्रेम नहीं करता, वो बहुत सारे स्त्रियों से घूमता है, तू उसको समझती हो कि वो तुझे प्रेम कर रहा है, ये बात गलत है। और राधा कहती थी कि वो किसके साथ प्रेम करता है उसके साथ लेना देना नहीं है, वो मेरे साथ प्रेम करता है बस है, और मैं उसको प्रेम करती हूँ, इसके सिवा वो हजारों स्त्रियों के साथ रहे, मेरे को उसके साथ कुछ लेना नहीं, मैं उसको प्रेम करती हूँ और वो मेरे से प्रेम करता है, और राधा का नाम कृष्ण के साथ जुड़ा रहा। बहुत सारे ऐसे गुरु शिष्य हैं जिनका नाम आज भी गुरु के साथ, शिष्यों के साथ नाम लिया जाता है, वो क्या प्रेम था? हम निंदा करना हमारी एक आदत सी पड़ गई है कि किसी के ऊपर कुछ भी लांछन उठा के लगा देना, हम उसके भावनाओं को देखते नहीं, क्यों वो तुम्हारे को पाले, तुम्हारे को रखे अपने पास, तुम्हारी अच्छा बुराई में वो खड़े रहे, क्यों रहे, क्या स्वार्थ है उसका? कृष्ण गोपिकाओं को अपने साथ लेकर पति के रूप में था, तो गोपिकाएं इतनी बीमार थी अपने उसके कंस के जेल में रहकर कि उसको खाना भी ठीक तरीके से नहीं देता था, वो 16,000 गोपिकाएं थी, तो उनको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उनको अपने पति के रूप में उन्होंने रक्षा की। कृष्ण ने क्या गलती की उनकी रक्षा करने में? क्या वो गोपिकाएं ऐसा ही कहें जो विरजा ने कहा था? बाद में विरजा को पश्चाताप करके राधा ने कहा तुझे प्रेम करना नहीं आता, हम किसी वृक्ष को प्रेम करते हैं, किसी पत्थर को प्रेम करते हैं, तो उस पत्थर को पूजने वाले और 10 लोग भी होते हैं, लेकिन तुम पत्थर को पूज करते हो और पत्थर तुम्हें चाहता है, तो वो उस पत्थर की पूजा का तुम स्वीकार करते हो, तुम उसके साथ लाभ पाते हो। क्या पत्थर को, एक ही पत्थर के शिवलिंग कोई 10,000 लोग पूजा नहीं करते क्या? आज हम ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, हजारों लोग पूजा करते हैं, लेकिन कितने लोगों को कितना फायदा होता है? एक पेड़ से, तुलसी से प्रेम करते हो, उस तुलसी को 1,000 लोग पानी डालने वाले होते हैं, तो क्या वो तुलसी तुम्हारी ही रहनी चाहिए, दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए? ऐसा कुछ है? वरदान है। हम तुम्हारे प्रेम को देखो, उनके साथ प्रेम करते हो या नहीं, तुम्हें ये देखना नहीं कि वो तुम उसको किसके साथ प्रेम करता है, वो तो उसका कर्तव्य है, वो हजारों लोगों के साथ प्रेम करेगा ही, हजारों लोगों की अच्छी बुराई देखेगा ही। यही बात कृष्ण के साथ हुई, और विरजा जब गई तो राधा ने बहुत समझाने पर भी वो नहीं सुनी, और हर जन्म में विरजा को विरह सहना पड़ा, ना उसकी शादी हुई, ना वो किसी अपने माँ बाप के साथ रही, क्योंकि उसके साथ प्रेम नहीं था, उसने कृष्ण की निंदा की थी। उसके 3 जन्म भी उसने वैसा निकाला, तो 3rd जन्म में फिर भी राधा बहुत तंग आकर राधा से प्रार्थना की कि मैंने कृष्ण की निंदा की है, कृष्ण जो सबके लिए उन्होंने अपना जीवन दान किया था, हे राधा मुझे कुछ मार्ग बता। तो विरजा के कृष्ण ने कहा एक बार कृष्ण भक्ति में रम जा, तो कहा कि एक तुमसे प्रार्थना करती हूँ, अगला जन्म मेरे कृष्ण भक्ति में रमने का मुझे दो। तो मामूली बात नहीं, इसकी परीक्षा होगी। उनने कहा परीक्षा मैं तू ही पास कर सकती है, मुझे उत्तीर्ण तू ही कर सकती है, मैं उस परीक्षा में रहने गई हूँ। और वही 3rd जन्म में मीरा के रूप में जन्म ली, पति होने के बाद भी अपना घर संसार सब छोड़ा, सास ससुर सब छोड़े और केवल कृष्ण भक्ति में रही, और आज भी चित्तौड़गढ़ में कहा जाता है उसकी जो कृष्ण की मूर्ति है उसमें वो विलीन हो गई, और उसका आंचल आज भी उस कृष्ण के सामने रहता है और वो कृष्ण में लीन हो गई। ये मैं बात क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें पत्थर को भी निंदा करने की, वृक्ष को भी निंदा करने की हमारे में आदत है। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हम तोड़ने वाले, मंदिरों को तोड़ा गया वो कुछ नहीं करता रहा, अरे तू प्रेम करना, तोड़ने वाला तो तोड़ा गया, मारने वाले तो मार के चले गए, तू प्रेम करना, तुझे चाहिए ना, तू जो चाहता है। जैसा द्रौपदी ने अपने चीर हरण के बाद कृष्ण से एक ही बात पूछी थी, कृष्ण मुझे कुछ भी हो, मैं इस अन्याय करने वाले पर, स्त्रियों के ऊपर जो अनाचार करते हैं उसको तुम शिक्षा दो। और कृष्ण ने वचन दिया कि आज के बाद मैं मेरे 16,000 गोपिकाओं के साथ यात्रा करूंगा, केवल यही कार्य करूंगा और उन अन्यायी लोगों को मारूंगा, और कुरुक्षेत्र का युद्ध हो मैंने अभी आपको बताया। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि इस प्रकार उत्तम जैसा अभी मैंने शिष्य से के रूप में कहा, वो अपने अरुंधति के पास से वो कर्णफूल लाकर अहिल्या को दिए और अहिल्या ने उस कर्णफल को दिया, इस प्रकार की गुरुदक्षिणा। और उस उत्तंक महर्षि के बारे में जाना जाता है कि वे आगे चलकर भगवान के रूप में पूजे गए, उनको पृथ्वी लोक पर नहीं तो उनको स्वर्ग में पूजा जाता है। इंद्र ने कहा था कि स्वर्ग में पूजा जाएगा क्योंकि तूने गुरु से उतना प्रेम किया है और गुरु की गुरुदक्षिणा, गुरु को भूरी भूरी दक्षिणा तूने प्रदान की। यही बात हम आगे कहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याएं अपने पास आती,
एक बार रावण अपने पास अपने अहंकार के कारण शिवजी के पास गया और उन्होंने गलती से माता पार्वती उमा को देख लिया। उसे लगा शिव क्या मेरा बिगाड़ेगा और उसने उमा की चाह की कि मैं उमा को ले जाऊंगा। जब ये बात उमा ने देखा तो उमा ने उसको एक लात मारी रावण को, रावण नीचे आकर गिर गया। रावण को गुस्सा था, वो तो तपस्वी था, उसको गुस्सा गया और उन्होंने कहा ये पर्वत को उखाड़ के फेंक दूंगा, हिमालय के पर्वत को। और ये बात जब पर्वत हिलने लगा तो माता पार्वती जाकर शिव जी के आलिंगन लेकर कह गई कि ये पर्वत क्यों हिल रहा है। बोले तूने लात मारी है, वो पर्वत वो रावण है, दशकंठ है, वो तो पर्वत हिला रहा है, तो अब कैसे। शिव जी ने कहा उसको मैं देता हूं, और एक पांव से अपने पर्वत को दबाया तो उसकी चीख निकल गई रावण की और रावण घबरा गया कि मैं अब इस पर्वत को उठा नहीं सकता। वो बाहर आ गया क्योंकि वो शिव जी से प्रेम करता था। उसने साष्टांग नमस्कार किया और कहा कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, लेकिन कदापि रावण ने अपने जन्मपुर में रावण संहिता पढ़ के देखो कहीं गुरु की प्रशंसा नहीं की है, कभी शिव को गुरु नहीं माना। और यही कारण है कि रावण मरते समय अपने जिस देवता उसकी देवी शंकरी थी, शक्ति के रूप में दशमाविद्यां के रूप में आज भी लंका में शंकरी देवी का मंदिर है, शंकरी देवी उसकी आराध्या थी। और शंकरी को सब मरते समय रावण ने पूछा कि माँ इतनी साधनाएं किया, तुझे रोज मैं बलि चढ़ाता था, तुझे जो चाहे वो मैं देता था, तेरी कृपा मुझ पर थी, लेकिन एक सामान्य मानव सामान्य वानर बंदर आके मेरे राज्य को विध्वंस कर देकर मुझे मार के चले जा रहे हैं, इसके पीछे कार्य इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो माता शंकरी कहती है कि मैं तेरी तपस्या से तुझे सर काट कर मेरे को समर्पण कर रहा था, मैं उससे प्रसन्न थी और मैंने तुझे प्रसन्नता के साथ दिया, लेकिन ये बात एक बात याद रख, उस राम को चार गुरु है, अगस्त्य वशिष्ठ विश्वामित्र और भरद्वाज, ये चार गुरु उसके पास है और चार गुरु से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया है। जिसको गुरु हो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता और गुरु को रहने वाला कभी गलत काम नहीं करता, उसलिए तो उसने उसके हाथ उसके हाथ से मारा गया। तू उसके हाथ से मारा गया क्योंकि तेरे तुझे गुरु नहीं था। रावण को लगा कि सचमुच गुरु की आवश्यकता होती है। उसी रावण ने एक बार गुरु की महत्ता के बारे में कहता, गुरु बिरु कोई नहीं होता, मेरा शिव है मेरी शंकरी। एक बार क्या हुआ कि उस रावण की बहन शूर्पणखा एक बार राज्य में आए थे और शिवन रावण के द्वारपाल दो थे, बंड और अबंड नाम के दो द्वारपाल रहते थे, द्वारपाल पर खड़े रहते थे वहीं जो गुरु भक्त थे, लेकिन रावण को लेकर डर के गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि रावण ने उसको पकड़ के रखा था दोनों को। शूर्पणखा जब आ रही थी तो आते आते एकदम पांव को कुछ लगा और गिर गई, गिर गए, गिरते ही दोनों हंसे, जो द्वारपाल थे दोनों भी हंसने लगे। ये जब हंसे तो उन्होंने जाकर रावण को जाकर शूर्पणखा ने कहा कि प्रभु आपको एक काम करना है। क्या? उसने नहीं नहीं से बातें सब बोल दी, वो लोग मेरे पर कुदृष्टि रखते हैं, वो रखते हैं, सब रावण को चढ़ा दी। रावण ने उन दोनों द्वारपालों को बुलाया और कहा कि तुम आज तक द्वारपाल थे, आज चाहे तो तुम्हारा गला काट के खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुमने मेरी सेवा की है इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, तुम्हें निष्कासित करता हूं और मेरे राज्य में नहीं दिखना, और मेरा तुम्हें राज्य पता है, मेरा यहां से राज्य दंडकारण्य तक है, अगर तुम दंडकारण्य में भी कहीं मिले तो मेरी बहन तुम्हें कच्चा खा जाएगी, तुम यहां से चले जाओ। और पंड और अबंड दोनों ने कहा कि अब हम कहां जाएं, बाहर दोनों आगे चलते चलते जाने लगे कि रावण को इतना गर्व क्यों है यार, बहुत गर्व है उसको, बहुत अहंकार है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि क्या है, सोने की लंका है, सोने की थाली में खाता है, ऐश्वर्य है, सोने से भगवानों को खरीदता है, सोने से अप्सराओं को स्त्रियों को खरीदता है, अपनी इच्छा पूर्ण करता है, यार संसार में सोना और धन का होना बहुत आवश्यक है। धन नहीं हुआ तो इस संसार में कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा धनस्य मार्जाय, धन को अर्जित करना है, धन मूलम इदम जगत, धन के कारण ही जग है, और इसमें अपिव इससे हम ये कहते हैं कि इस संसार में अगर अनुमान करें तो मृतस्य
दरिद्र से, मृतस्य और निर्धन से, इस संसार में दोनों एक बराबर के, जिसके पास धन नहीं है वो मृतक के बराबर है और निर्धन भी मृतक के बराबर, शव के बराबर है, उसका कोई अपमान उसको कोई चाहता नहीं। जैसा शव को देखकर अपने लोग ही निकल जाते हैं, शव को एक बार शव हो गया तो अपने लोग कहाँ आएंगे, अपने को देखकर छोड़ के चले जाएंगे। और निर्धन की गति भी वही है, अगर उसके पास धन नहीं रहा तो अपने लोग ही उसको छोड़ के चले जाते हैं, वो उस मृतक के समान है। दोनों बंड और अबंड बोलते हुए जा रहे थे, बोलते हुए आगे बढ़े थे, हमें क्या करना चाहिए? बोले उस रावण को सबक सिखाना चाहिए। क्या? हम भी सोना कमाएंगे। अरे हम भी सोना कमाएंगे, कैसा सोना कमाएंगे? क्या यूं ही आएगा सोना? किस तरह आएगा सोना? तो उन्होंने कहा कि एक बात करेंगे, हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे, पृथ्वी लोक पर घूमने लगे, किसी देवता के पास जाए, कोई के पास जाए, तो हमारे वाक्सर कहते हैं अगर धन कमाना है तो 1,00,000 वर्ष तपस्या करो, नहीं तो 1,00,000 मंत्र जप करो। सारा टाइम कहाँ है? नौकरी करते पति पत्नियों को देखते देखते टाइम चले गए, हम 1,00,000 जप कब करेंगे? अपने से होने वाला नहीं। अपन ऐसा करेंगे कि कोई योग्य गुरु को पकड़ेंगे जो अपने को ये सारी चीजें देख सकेगा, दे सकेगा। तो ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि महर्षि वशिष्ठ जो हिमालय के तराई में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, बोले हम दोनों उनकी शरण में जाएंगे। दोनों वशिष्ठ आश्रम को गए और वशिष्ठ आश्रम को जाकर वशिष्ठ महर्षि को नमस्कार किया। तो वशिष्ठ ने कहा, अरे भाई तुम दोनों यहाँ क्यों आए? प्रभु बोले हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस आपके दर्शन, आपका दर्शन हो गया, हमारी इच्छा है कि आपके हम आपकी सेवा करें। वशिष्ठ ने कहा, सेवा करें? मेरे एक सेवा की कोई जरूरत नहीं है प्रभु, फिर भी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, फिर भी तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा कुछ भी हो प्रभु, इच्छा तब पूर्ण होती है जब हम आपकी सेवा करके आपको प्रसन्न कर सके। तो उन्होंने कहा, सेवा के साथ साथ मैं एक विशिष्ट छोटा सा मंत्र देता हूं, उस मंत्र को आप करो। प्रभु बोले, ये सारा राक्षस मुंह, इससे साथ मंत्र नहीं, बीज अक्षर भी नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं? हमारे को मंत्र बिंत्र नहीं होता, मंत्र आता नहीं, कुछ आता नहीं, हम नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या करना चाहते हो? उन्होंने कहा, प्रभु बस यही कही, ओम वशिष्ठाय नमः, आपका नाम ले लेंगे, और एक काम करेंगे, अरुंधत्याय नमः, तुम्हारी पत्नी गुरु माता का नाम लेंगे, हम इसके सिवा उसको कुछ नहीं आता। अरे हमारा मंत्र नहीं है, यही मंत्र करेंगे, हमारे को यही मंत्र आता है, बस द्वारपाल खड़े रहेंगे, ओम वशिष्ठाय नमः कहेंगे, ओम अरुंधत्याय नमः कहेंगे। एक दूसरा शिष्य था, उसने कहा, अरुंधति भी उसको बोले नहीं आ रहा था, वो अरुण बोल रहा था। तो नारे वशिष्ठ ने, मैं अरुंधति बोलता हूँ, तो वशिष्ठ बोल, दोनों मान इधर उधर पलटा लिए, और एक ने कहा, मैं ओम वशिष्ठाय नमः कहता हूँ, तो ओम अरुंधति नमः, बस उनका जब आरंभ हो गया। तुम्हें बोले सरदर्दी है तुम्हारे राक्षस में, तुम्हें जो करना है करो, दोनों जब आरंभ कर दिए। एक रोज द्वारपाल में खड़ा रहता, ओम वशिष्ठाय नमः एक कहता हूँ, अरुंधति नमः एक कहता। दोनों करते करते एक दिन माता ने कहा, अरे भाई वो तुम दोनों लोगों को वहां खड़े करे हो, वो दोनों भी रोज वशिष्ठ से अरुंधति पुकारते, मेरा जप नहीं हो रहा है, ये लोग रोज पुकारते, इसका कुछ ना कुछ कार्य तो इनको, कुछ ना कुछ नजर तो लगाओ, कुछ ना कुछ काम तो करो। बोले तू ही जाकर बोले उनको क्या करना है। तो गई एक दिन और कहा, तुम ऐसा करो, मेरे लिए जंगल में जाकर फूल लेके आओ, पूजा पूजा के लिए फूल लेके आओ, ऐसा उन दोनों को कहा। दोनों जंगल में गए, अरे माता को अपने नहीं पूछा कि कौन से फूल लाने चाहिए, यहाँ तो हजारों फूल है। अरे बोले तू, मैं यहाँ ठहरता हूँ, तू जाके माता को पूछ के आ कौन से फूल लाना है। मैं बोले मैं अकेला नहीं जाता, मेरे को डर लगता है गुरु के पास, गुरु माता के जाने। दोनों फिर वापस आ रहे थे, दोनों वापस आ रहे थे, महाराज अरे क्या हुआ फूल लाने के लिए? बोले माता जंगल में गए, इतने फूल थे, कौन से फूल लाना? आप नहीं बोली, नहीं बोली, धत तुम्हारी की, क्या शिष्य मिले मुझे। उनने कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ से 10 कदम जाओ और वहाँ खड़े रहो, फूल जो दिखेंगे वो लेके आना। वो 10 कदम गए, माता अरुंधति को पता चला कि इनको ज्ञान नहीं है, देखा कि वहाँ दोनों बड़े गमले में फूल लगे हुए थे, फूल गमले में ही थे, और जय ओम अरुंधत्ते नमः का फूल के गमले लिए उठा के आ गए। माता ये लेके आए हैं, ये देखते हैं तेरे सामने फूल लेके आए। माता जी हंसी और बैठ गई, फिर शुरू हो गया वशिष्ठाय नमः अरुंधत्ते नमः। अब तंग आ गए, एक बार वशिष्ठ को बुला के वशिष्ठ ने कहा, इनका कुछ करो भाई, ये लोग ये ऐसा अपने को सताना कहां तक है, इनका कुछ करो आप। तो उन्हें बोला, तुम सच सच बताओ यहाँ किस लिए आए हो, कहां से आए हो, तुम्हें आज तक नहीं पूछा। गुरु जी आपको वशिष्ठ महर्षि जी आपको बताते हैं, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे तो बताएंगे। बोले गुस्सा नहीं करूंगा, बोलो आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, बोलो क्या बात। बोले हम रावण की लंका से निष्कासित हो गए, हमें निकाल दिया रावण ने, क्या कारण था और सारी हिस्ट्री बता दी, तो निष्कासित हो गया, तो यहाँ क्या करना चाहते हैं? हम रावण ने सोने की लंका बनाई है,
तो हम चाहते हैं कि हमारे भी एक हम भी इतना सोना कमाएं कि रावण से भी ज्यादा सोना हमारे पास आ जाए। ऐसा आप कोई ना कोई मार्ग बताओ। तो उन्होंने कहा कि इस मार्ग में बताने के क्या है। तो उन्होंने कहा हम तो दोनों रावण के पास जब भी रहते थे भैंस के रूप में रहकर सेवा करते थे और मामूली रूप में मनुष्य होते थे, ग्रास करके खा जाते थे, तो हमारा वो भैंस का एक रूप भी है। तो उन्होंने कहा फिर वैसे तुम क्या चाहते हो? बस ऐसा वरदान दे दो कि हमारा शरीर पूरा सोने का हो जाए और हम जहां भी जिसको भी स्पर्श करेंगे वो सोने का हो जाए, आप ऐसा हमें वरदान दो, हम सोना बहुत कमाएंगे। वशिष्ठ ने कहा तथास्तु। अरे भाई, दूसरे शिष्य ने कहा अगर हम सोने के हो गए तो क्या फायदा, हमारे पास ही सोना रहा, रावण के उतना सोना कहां से आएगा। दूसरे शिष्य ने कहा प्रभु हमें क्षमा करें, क्या हम एक बात और चाहते हैं, हम जो भी खाना खाकर गोबर डालते वो भी सोने का हो जाए। वशिष्ठ बोले वाह बहुत होशियार, आज से वो भी आशीर्वाद दे रहे हो कि तुम्हारा गोबर सोने में बदल जाएगा। अब रोज गोबर डालते थे और सोना ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में रख देते थे, सोना जमा करना शुरू कर दिए। एक सोना जमा करना गुफा में डालकर सोना जमा करना शुरू कर दिए, जमा करना शुरू कर दिए। देखा एक दिन आकर देखे दोनों ने, अरे सोना बहुत जमा हो गया, क्या करेंगे? बोले सोने से महल बनवाएंगे, तेरा सर इस सोने से एक रूम भी नहीं, एक रूम नहीं बनता इस सोने से, महल कहाँ से बनाएगा, और बहुत सोना चाहिए। रोज गोबर डालता है एक से दो बार, दो बार गोबर डालने से क्या आएगा, सोना का महल बनेगा क्या, कितने दिन लग जाएंगे, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस अपन जाके सोना लूटने लगेंगे, भैंस सोने की भैंस बनकर खरीद लेना, वो जो भी अपने पास आता है उसके उसका सोना लूट लेना। ऐसा बाद में सोना भी लूटना शुरू कर दिए उन्होंने। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण के पास महर्षि वशिष्ठ की दी हुई दान की हुई धेनु थी, जिसके ऊपर बहुत सोना डालकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दान दिया था, और वो सोने की गाय वहाँ चल रही थी। जब उन्होंने देखा कि गाय पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, दोनों भैंस के रूप में वहाँ गए और मानव रूप में उसका सोना खींचने लगे, तो गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब वो ब्राह्मण देखा तो ये कौन दो राक्षस है जो आकर मेरे गाय को इस तरह सता रहे हैं। ब्राह्मण आए तो वो दोनों भागने लगे वो सोना लेकर, और गाय भी और वो ब्राह्मण भी भागते। दोनों भागते हुए उनको पता था कि ब्राह्मण विद्वान है, तभी वशिष्ठ महर्षि ने उनके दान दिया, और वशिष्ठ महर्षि के दान को दिए हुए दान को हम छीन रहे थे तो हमारे को श्राप मिलेगा। वो शरण में आए, वशिष्ठ जी के चरणों में पड़ गए और कहा महर्षि वशिष्ठ जी हमें बता, हमें बचा लेना। क्या हुआ कि ऐसा हम वो गाय के ऊपर सोना, और उन्हें जब ये चोरी की बात कही तो उनके अति लोभ का कारण वशिष्ठ ने कहा ये तुमने गलत किया, ब्राह्मण का श्राप और मेरे दान दी हुई सोने को तुम लेना चाहते थे, ये तुमने गलत कर दिया। अब तुम्हें उस ब्राह्मण के उस श्राप से तुम्हें बचने के लिए मेरे में भी शक्ति नहीं है, मैं देवताओं के श्राप को बचा सकता हूँ, मैं मेरे दान दिए हुए उस चीज़ों को नहीं ले सकता, मैं उसको बचा नहीं सकता, मैं तुम्हें अब कौन बचाएगा, प्रभु कुछ तो करो। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इतना वरदान दे सकता हूँ कि उस ब्राह्मण के क्रोध को शांत करवा दे सकता हूँ। ब्राह्मण जब भागते हुए आया तो ब्राह्मण को क्या तुम्हें क्या चाहिए कि उसके ऊपर गाय के ऊपर सोना लेकर ये भाग रहे थे इसलिए मैं इन्हें श्राप देने आया। तो वशिष्ठ ने कहा वो सोना उनको दे दो। तो ब्राह्मण ने कहा मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, आज छोड़ दूंगा तो और किसी ब्राह्मण के पास और किसी स्त्री के पास जाकर ये ऐसा ही सताएंगे, इसलिए मैं इन्हें श्राप देना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ ने कहा श्राप मत दो, ऐसा श्राप हो कि जो उनको दोनों रूप में काम आए। तो प्रभु ऐसे लोगों को आपने किस लिए रखा? तो उन्होंने कहा कि मेरे अच्छी तरह से भक्ति करते हुए मेरी और ये मेरी भक्ति करते हैं और मेरी पत्नी की सेवा भी करते हैं, इसलिए वो यहाँ आए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा जब आपकी सेवा करते हैं और आप उनसे प्रसन्न हैं तो मैं इनको श्राप नहीं दूंगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि ये दोनों आपके द्वारपाल बनकर यहाँ रहे, कहीं ना जाए, और ये दोनों स्वर्ण के भैंसों के रूप में वहाँ खड़े रहे, स्वर्ण के रूप में वहाँ खड़े रहे। तो वो वहाँ खड़े रहने के बाद उन्होंने कहा ये द्वारपाल बनकर यहाँ में खड़े रहना मंजूर है लेकिन हम कहीं नहीं जाते। लेकिन माता अरुंधति ने आकर कहा तुम्हारे पांव पड़ती हूँ गुरुजी, इन दोनों को मेरे सामने से हटा दो, ये इनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये फिर वशिष्ठायन अरुंधतिर वहाँ कहते रहे तो मेरा रोज का जब नहीं होता, आप इनको पहले इनको यहाँ से निकाल दो। वशिष्ठ ने कहा जब प्रसन्न नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो वरदान दे दे। उन्होंने कहा ये क्या चाहते थे? सोना चाहते थे, सीधे सीधे यहाँ स्वर्ग को भेज दो और इनको एक सोना का सोने का मल बना, मेरे पास नहीं चाहिए। तब वशिष्ठ ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप दोनों भी
यहां से स्वर्ग को चले जाओ और वहां आप स्वर्ण के महल में रहो। लेकिन दोनों को तब तक ज्ञान हो गया था। बोले माँ अब से आपको सताएंगे नहीं, अब आपसे हम कुछ हम अरुंधत्ते ने माँ कहेंगे लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचेंगे आपके कान तक, और वो हमारा हम कहेंगे आप मुझे हम यहाँ से हकालना मत, हम हमारे आपके हम आपके शिष्य हैं। और दोनों वहीं रह गए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक श्रेष्ठ गुरु शिष्य की कहानी है कि उनको वो स्वर्णवत बनाना या गुरु के पास रहने की क्रिया ये जो हुई ये श्रेष्ठता के साथ हुई। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ वहाँ बहुत दिनों तक रहने लगे। तो उन्होंने एक बार मैंने अभी जैसा आपको कहा था कि उत्तंक ने और वज्र के मारने से एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया था जो पाताल लोक को डायरेक्ट जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वशिष्ठ महर्षि की गाय नंदिनी थी वो चरते चरते हुए वहाँ गई और वो खड्डे में गिर गई। इतनी अंदर चले गई कि उसको ऊपर ही नहीं आना हो रहा, ऊपर नहीं आना हो रहा है। तो उसने वशिष्ठ महर्षि आज तक अभी मेरी गाय नहीं आई, वो ढूंढते हुए गए और देखते क्या है कि बहुत बड़ा खड्डा है और उसमें गाय गिर गई, उसको ऊपर नहीं आना आ रहा। तब वशिष्ठ जी ने उस गाय को किस तरह लाना ये प्रार्थना करने के लिए उन्होंने अपनी माँ ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती की प्रार्थना की जो नदी रूप में अदृश्य रूप से पृथ्वी के नीचे बहती है। माता सरस्वती को कहा कि माँ मेरी गाय यहाँ अटक गई है पाताल के अंदर, तू अदृश्य रूप से भूमि के नीचे बहती है, तू इस गाय को ऊपर लाना। माता सरस्वती ने उनकी पुकार सुनी और उसके पास से वहाँ से नदी बहते हुए उस पानी पर गाय तैरते तैरते ऊपर आ गई और नंदिनी को उन्होंने ऊपर ले लिया। तब वशिष्ठ महर्षि ने कहा कि ये खड्डा अगर ऐसा ही पड़ा रहा तो यहाँ कौन इसकी आज मैं गया और कोई कोई ना कोई गिरते जाएंगे इसमें, इसका तो कुछ हो, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस खड्डे को भरना चाहिए। अब वो खड्डा पाताल तक था, भरना तो कैसे भरना। तो उन्होंने कहा अगर यहाँ एक पहाड़ लाकर इसमें डाल दें तो ये पहाड़ इसका सब ठीक होगा। तो उन्होंने कहा पहाड़ को कहाँ बुलाएं, वो सीधा हिमालय पर्वत के पास वो दे दो जो इस खड्डे को बुझाना है। उस खड्डे के उस हिमालय के पास अर्बुद नाम का पर्वत था जो आज माउंट अबू के नाम से जाना जाता है। वो अर्बुद पर्वत के पास गए और उन्होंने जाते ही अर्बुद पर्वत में वशिष्ठ जी को नमस्कार किया। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हैं। बोले हिमालय पर्वत के पास जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं। इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ एक खड्डा हो गया, उस खड्डे को बुझाने के लिए वहाँ एक पर्वत की स्थापना करना चाहता हूँ। तो अर्बुद पर्वत ने कहा फिर जाइए जाइए। बोले तू क्यों नहीं आता। प्रभु मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे माँ बाप हिमालय यहाँ बैठे हुए हैं, उनका उनकी आज्ञा लिए मैं नहीं आता और वो खड्डे पे वहाँ रहूँगा, वो है रेगिस्तान में, पूरा बालू के ऊपर से गर्मी आते रहेगी, मेरे पास यहाँ हरा भरा जीवन है, सब सूख जाएगा, वहाँ कैसे आ सकूँगा। वशिष्ठ ने कहा मैं तुझे आश्वासन देता हूँ कि तेरे पर्वत पर भी हरा हरी भराई होंगी। बोले हिमालय में सारे देवता आके जाते हैं, वहाँ जंगल में वहाँ रेगिस्तान में कौन से देवता आएंगे। वशिष्ठ ने कहा मेरी तपस्या से वहाँ मैं देवताओं को भी बुलाता हूँ, तू आ जा। तब उन्होंने जाकर कहा कि मेरी माता पिता की आज्ञा लेता हूँ। माता पिता की आज्ञा लेने गए और आज्ञा लेने के बाद माता पिता ने कहा जब वशिष्ठ महर्षि ने कहा है तो वो जरूर होगा। और वशिष्ठ महर्षि उनके पास गए और कहा कि अर्बुद पर्वत को मुझे दे दो। वो अर्बुद पर्वत आज माउंट अबू के नाम से जहाँ बैठा है उसके नीचे पाताल है। तब वशिष्ठ महर्षि को उन्होंने कहा प्रभु आपने कहा है कि देवता आएंगे जाएंगे, आपके नहीं रहते हुए कौन से देवता आएंगे, आप तो महर्षि है, आप अगर वहाँ रहेंगे तो देवता आएंगे। तो ऐसा करो महर्षि आप मुझे वचन दे दो, मैं तो वहाँ आऊँगा लेकिन आपका आश्रम माउंट अबू पर्वत पर हो। वशिष्ठ महर्षि ने कहा मैं यहाँ हूँ वहाँ कैसे रहता हूँ। प्रभु आप ब्रह्मा के पुत्र है, आपको दोनों तरफ रहने का अधिकार है, आप अपने दो रूप करो, एक माउंट अबू पर रहो और एक वशिष्ठ आश्रम में वहाँ रहो। तब उन्होंने कहा कि मैं भी मेरे गुरु से प्रार्थना करता हूँ, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता हूँ, क्या मैं इस चमत्कार को करूँ। तो उन्होंने कहा कि यह बात तुम्हारी मैं जरूर पूर्ण करूँगा लेकिन कब, जब मेरे गुरु ब्रह्मा की इच्छा होगी ब्रह्मा कहेंगे। तो ब्रह्मा के पास गए और कहा कि वो खड्डा तो बुझाना जरूरी है प्रभु, इसलिए माउंट अबू को तो यानी अर्बुद पर्वत को तो वहाँ जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है। वो कह रहा है कि तुम पर्वत पर आकर निवास करो और मुझे दो रूपों में विभाजन होने की बात कर रहा है। तो उनने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब इस संसार में एक श्रेष्ठता आएगी तब तुझे वहाँ तेरा दूसरा अवतार भी होगा। और वो अवतार कब हुआ,
जब महर्षि वशिष्ठ अपने पास नंदिनी गाय को लेकर बैठे थे, एक राजा दिलीप नाम के राजा हुए, उनको संतान नहीं हो रही थी, तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ थे और वशिष्ठ अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास दिलीप जी गए, महाराजा थे, और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे संतान नहीं है, मैं आपके पास रहकर सेवा करता हूँ, मुझे संतान की प्राप्ति दो। महर्षि अरुंधति भी थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास वो होने की ये नहीं है, तो प्रभु हम गुरु, आप गुरु हैं और असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता आप में ही है, आप कुछ करो। तब वशिष्ठ जी ने कहा आप महाराजा हैं, ऐसे करो, मेरी नंदिनी नाम की गाय है, आप उसकी सेवा करते रहना। तो उनने कहा ठीक है, वो नंदिनी गाय की सेवा करते रहे। नंदिनी सेवक की गाय, नंदिनी की गाय की सेवा करते करते आप उसकी सेवा करते रहना। तो उनने कहा ठीक है, वो नंदिनी गाय की सेवा करते रहे। नंदिनी सेवक की गाय, नंदिनी की गाय की सेवा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि वो जंगल में गए थे और थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे उनको नींद लग गई। तभी उन्होंने एक बाघ शेर की आवाज़ सुनी जो गाय के ऊपर झपट्टा मारने के लिए प्रेरित था, तभी मारने था, एकदम उनकी आंख खुल गई और वो सिंह के पास चले गए और कहा कि हे सिंह, तुम इस गाय को मत खाना, मैं इसका रक्षक हूँ, मैंने वचन दिया है मेरे गुरु को, मैं इसकी रक्षा करता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कितने फल चाहिए, कितने फूल चाहिए, क्या चाहिए खाने को लाके दूंगा। तो बाघ ने कहा क्या बात करते हो, मैं तो मांस खाने वाला हूँ, मुझे तो मांस चाहिए, मैं ये फल फूल खाकर क्या करूँगा। तब कहा कि अगर आप गाय को छोड़ देते हैं तो मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे खा सकते हो। और बाघ जैसा ही उनके ऊपर खाने के लिए वो सामने चले गए, तो नंदिनी ने हंसकर कहा कि दिलीप महाराज तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, ये बाघ कोई नहीं था, साक्षात इंद्र भगवान थे, मैंने उनको बुलाया था, तुम इस परीक्षा में पास हुए, आज से आशीर्वाद देती हूँ और तुम्हारे कुल में संतान होगी और तुम्हारे इस कुल का तीसरा पीढ़ी का वंश होगा, रघु नाम का राजा हुआ और वही रघुवंश के नाम से हुआ और उसी में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, वो चौथी पीढ़ी के थे, इस तरह रघुवंश वशिष्ठ जी के उस आशीर्वाद से पैदा हुए। मैं ये सारे बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ, कि गुरु कृपा जब तक अपने में प्राप्त नहीं होती ऐसी घटनाएं अपने जीवन में नहीं घटती, ऐसे जीवन में अपने पास कोई नहीं आता जो अपने गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने आप को न्योछार करता है, अपने आप को गुरु के प्रति श्रेष्ठता प्रदान करता है, अपने गुरु का वचन मानता है और अपने गुरु के वचन तक कितने साल हुआ मैं गुरु जी आपके पास, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कितने साल की बात नहीं है, अगर तू एक बार गुरु कृपा हो गई तो तू उससे 10 गुना साल और जिएगा और सुख अनुभव करेगा, ये तुझे पता नहीं, लेकिन गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहिए। तेरी आयु 10 साल है तो गुरु की कृपा हुई तो 100 साल बचेगा और वो सब अनुभव करेगा जो चाहता है, लेकिन तू नहीं चाहता और तू वर्ष गिनते रहता है, मेरे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए गुरु जी मैं आपके पास हूँ, वो तुम्हें देना चाहते हैं। इसलिए हम इन सारी चीज़ों को देखकर कहते हैं कि इससे पीछे की गुरु कृपा की प्राप्ति जब तक हो, और गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए अच्छे भाव, अच्छी भक्ति, अपना शरीर शुद्ध होना ये बहुत जरूरी है देवता प्रसन्न होने के लिए भी। यही बात एक बार नंदीश्वर जो भगवान शिव जी के सेवक के रूप में रहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताओ, मैंने संसार में सभी को देखा है, कि ये इतने लोग, सारे लोग बहुत कष्ट अनुभव करते रहते हैं और इनके कष्टों का निवारण कैसे हो, इसके बारे में कुछ ना कुछ बताओ। शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए थे तो पार्वती ने कहा तू क्या चाहता है, तो मैं ये चाहता हूं कि मनुष्यों का शरीर कायाकल्प हो, वो शुद्ध हो, वो भगवान की दृष्टि, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सके, ऐसा कुछ वरदान दो, उनके ऊपर गुरु कृपा बनी रहे, ऐसा कुछ मार्ग बताओ। तो माता पार्वती ने कहा मेरी सहचरियां वृक्ष के रूप में 64 योगिनियां बनकर पत्थर बनकर वहां खड़ी है, क्योंकि इस पापी जग में उन्होंने अपने आप को पत्थर बना लिया है और वो पत्थर बनकर खड़ी है, जो उस 64 योगिनियों की विशेष रूप से अपने गुरु के सामने पूजा करेगा और उनको उस 64 वृक्षों के फल फूलों का रस से अभिषेक करवाएगा, मैं पार्वती प्रसन्न होकर तुम्हें वो सारी चीजें, तुम्हें वो शुद्ध आत्मा को मैं प्रसाद के रूप में दूंगी। और शिवजी ने कहा कि हे नंदीश्वर, मेरा वीर्य जो है वो संसार में सबसे शुद्ध है, उसको अगर कोई आदमी ग्रहण कर सकता है तो उसकी शुद्धता के सामने कुछ काम नहीं करेगा, उसको भक्ति करने की जरूरत नहीं, उसको कुंडलिनी जागरण करने की जरूरत नहीं है,
न उसको कोई साल ध्यान धारणा समाधि मंत्र तंत्र कुछ भी करने का करने की जरूरत नहीं है। केवल केवल और केवल वो मेरी इस पारद शक्ति को धारण करने की शक्ति अगर अपने ऊपर रखता है तो मैं उसको हर क्षण मैं उसके सामने हूं और मैं उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको जो भी साधना करेगा मैं उसको उस दिव्य शक्ति को प्रदान करने के लिए तैयार। और जब ये शिव जी ने उनको वरदान दिया तो प्रभु बोले प्रभु ये मार्ग बताओ कि इसको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पारद को मेरे वीर्य को जो अपने साथ एक कांच की भरणी में सामने रख ले और मैं जो मंत्र देता हूं उस मंत्र का जाप करें। उस मंत्र का जाप किसी को 10 दिन में किसी को 20 दिन में किसी को 40 दिन में वो उस मंत्र जप के कारण ही ठोस बन जाएगा। ठोस है नहीं एक गुटिका के भांति बन जाए उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। और जब वो गुटिका बने उसे धारण कर लेना तुम्हारा कायकल्प होगा शिव तुम्हारे अंदर प्रवेश होंगे। तुम्हें कहीं करना नहीं कोई भक्ति कोई धारणा कुछ करना नहीं है। और जिसके पास वो गुटिका होगी उसके साथ हजार लोग आनंद के साथ जी सकेंगे। उसको न धन की कमी होगी न पाप की न धन की कमी होगी। गुरु हूं प्रयत्न करना मेरा काम है विद्या ज्ञान देना मेरा काम है करना न करना आपकी इच्छा है। इसी के फलस्वरूप मैंने आज 64 वृक्षों के पत्तों के साथ इस यहाँ जो खड़े हैं 64 योगियों के पत्थरों के साथ यहाँ आपके सामने उस वीरभद्र पंचायतन शिव जी को जो पांच मुख्य शिव है पार्वती के साथ जो नंदीश्वर बैठे हुए हैं उनको यहाँ स्थापन किया है। जो मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि मैं सुख अनुभव करूं मैं शांति अनुभव करूं मैं भगवान के दर्शन ले सकूं वो लोग उस रस को उस पत्ते के रस को अपने पास एक पार्वत शिवलिंग रखकर उस पार्वत शिवलिंग को उस शिवजी के चरणों में योगियों के चरणों में रखकर उस रस को डालकर उस पार्वत शिवलिंग को अपने पास धारण करता है और उस पार्वत को एक ग्लास में एक कांच की बरनी में रखा हुआ है उसके सामने जो मैं मंत्र कहूं वो करता है। अगर वो गुटिका बन गई तो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम शिव हो और मैं तुम्हारे पास आता हूं ये मेरी गारंटी। गुरु स्वयं देवता स्वयं तुम्हारे पास आएंगे ये मेरी गारंटी। ऐसी ही एक दिव्य साधना मैं आपको गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इसलिए कि कभी आप मुझे यह ना कहे कि गुरु जी हमारे जीवन में धन की कमी है महालक्ष्मी की कृपा नहीं है हमारे घर में संतान नहीं है हमारे घर में शादियां नहीं हो रही है हम कष्ट अनुभव कर रहे हैं। सभी होने के बाद तो आपको ये कहते ही रहते हैं फिर भी मैंने आपको ये बात कही है कि आप अगर इस साधना को संपन्न करेंगे आप गुरु कृपा को प्राप्त करेंगे और गुरु कृपा को जो प्राप्त करता है मैंने आपको अभी आपके सामने जो इतिहास मैंने ये नहीं कहा पौराणिक इतिहास अपने जीवन में कोई भी ब्राह्मण वर्ण किसी शूद्र कोई बात नहीं केवल और केवल उस मंत्र को करके जो उस पर शिवलिंग को अपने गले में 40 दिन धारण करेगा निश्चित रूप से उसके ऊपर हम तो पर्वत को खा नहीं सकते। पर्वत को खाने से हमारा शरीर उतना श्रेष्ठ नहीं है पोल्यूशन भरा शरीर है पर्वत फटके आ जाएगा और बाहर आ जाएगा लेकिन शिवलिंग को तो धारण कर सकते हैं। हमारे शरीर में मोटापा हो हमारे शरीर में कोई बीमारियां हो हमारे को संतान नहीं होती हो तो वो देवता वो नंदिनी तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करेगी। ऐसी है दिव्य साधना आपको आज प्रदान कर रहा हूं। पहले ये शिवजी की मूर्तियां यहां लाकर रखी जाएगी और जो लोग पारद शिवलिंग और वो पारद जो एक कांच की भरणी में रखा हुआ लेकर आ जाएंगे उनके साथ वो मंत्र के साथ साधना करवाऊंगा। आज मेरे सामने ही साधना करो और 40 दिन उस शिवलिंग को अपने गले में धारण करो आप स्वयं देखेंगे कि मैंने क्या कहा है। आप यह जन्म ही नहीं कौन से भी जन्म में एक बार उस शिवलिंग को धारण कर लिया तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है लेना न लेना करना न करना आपका बात है। मैंने आज आपको इतनी सारी उदाहरण देते हुए जो बात कही है ये आपके जीवन को बदलने वाली है आपके जीवन में असंभव कार्य को संभव करने वाली साधना है। मैं आपके सामने ये साधना प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं 15 मिनट का समय देता हूं आप अगर कोई साधना में इच्छुक है तो लोग आ जाएं। मैं यहां उसी रस से जो पत्तों का रस है उस रस से आपको अभिषेक करवाऊंगा और वो शिवलिंग धारण करने का विधान बताऊंगा। जो लोग भी चाहते हैं वो लोग इस साधना को संपन्न करें।